आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 में कर्नाटक में जो भाषण दिया था उस पर आपत्ति जताते हुए, जिस दिन राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में अडानी के खिलाफ अपना वक्तव्य किया, उससे 9 दिन बाद एक षड्यंत्रकारी तरीके से पार्टी का ही एक एमएलए विधायक गुजरात में इस केस को जल्दबाजी करते हुए कोर्ट में लगाता है, और अभूतपूर्व निर्णय के रूप में जहां पर मानहानि के एक आपराधिक मामले में सबसे अधिक 2 साल की सज़ा माननीय राहुल गांधी जी को सुनाई गई और उसके तहत उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी गई, आज पूरे देश में लोकतंत्र को, संविधान को और साथ ही साथ विपक्ष के रूप में जो सरकार के द्वारा किए गए गलत कार्य हैं उसको उजागर करने के लिए अगर कोई भी, चाहे पत्रकार हो, एनजीओ हो, विपक्षी दल का नेता हो, कोई संस्था हो, अगर कोई प्रश्न उठाती है तो उसे या तो जेल में भर दिया जाता है, और अब उसकी पराकाष्ठा ये हो गई कि विपक्ष के प्रमुख नेता को उसकी सदस्यता, पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द करके, ताकि पार्लियामेंट में भी वो आवाज़ ना उठा सके। तो आज इन्हीं सब जो पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल उत्पन्न हुआ है, कांग्रेस जनों में, आम जनता में, और जो भी सही विचार करता है, जो देश के लोकतंत्र को और संविधान को का सम्मान करता है, आज उनमें भारी रोष है। उन्हीं विषय को लेकर मैं आज रांची में, यहाँ पर हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सभी के साथ में चर्चा विमर्श कर और आने वाले दिनों में जनता तक इस अन्याय के विरोध में हम किस प्रकार से अपनी आवाज़ को मजबूत के साथ उठा सकते हैं, उन्हीं सब विषयों को लेकर चर्चा होगी और आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया। एक एमएलए ने प्रपोज किया है प्रोटेस्ट करने के लिए पीछे झारखंड में, लेकिन ये तैयारी पूरे देश के अंदर बताई गई कि अगर सरकार के विरोध में बोलना और अवमानना है तो जितने भी जनप्रतिनिधि विपक्ष के, हम सब ने ये चल कल राजघाट में भी इस चीज विचार को जाहिर किया कि अगर आवश्यकता पड़े तो सबके सब रिजाइन। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।